बाबा तुंगनाथ जी के कपाट बंद होने वाले हैं। ये है बाबा तुंगनाथ जी की पालकी। तो ये रहा बाबा तुंगनाथ जी का मंदिर। यार मिले आशो भैया जो हम डोली के पीछे पीछे जा रहे हैं। दोस्तों बाबा तुंगनाथ जी की डोली गर्भगृह से बाहर आ चुकी है। ऊपर है रावण शिला। तो दोस्तों आज तुंगनाथ बाबा जी के कपाट शीतकालीन के लिए बंद हो चुके हैं। जय बद्री केदार। दोस्तों प्रणाम सभी को। मेरा नाम है पीयूष पुरोहित। चैनल का नाम है बॉय फ्रॉम पार। तो स्वागत है सभी का एक और नए व्लॉग में। तो आज दूसरा दिन है तुंगनाथ में। सुबह उठ चुके हैं, अभी चाय वगैरह पीते हैं, फिर चलते हैं मंदिर की तरफ दर्शन करने के लिए। बाकी ये रहा कुछ सुबह के नज़ारे। ये देखो सामने चौखंबा के नज़ारे। तो आपको ये वाले प्रसाद मिल जाएंगे यहाँ पर। यहाँ नीचे से दिख रहा है हमें बाबा तुंगनाथ जी का मंदिर। जय श्री तुंगनाथ महादेव। तो यहाँ पर सारी दुकान है जहाँ पर कि आपको प्रसाद सब मिल जाएगा। और हमारे साथ भैया भी है। प्रसाद ले लिया है तो अभी चलते हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए। दोस्तों ये है रास्ता बाबा तुंगनाथ जी के मंदिर के लिए। पहले दूसरी तरफ से हुआ करता था, अभी इधर से पहुँच चुके हैं तृतीय केदार बाबा तुंगनाथ जी के मंदिर में। तो यह है मंदिर प्रांगण। तो वहाँ पे देखो लाइन लग रही है, तभी दर्शन के लिए जाते हैं वहाँ पे। तो ये रहा बाबा तुंगनाथ जी का मंदिर। यहाँ पे की शिव भगवान के हृदय और भुजाओं की पूजा होती है। तो दोस्तों तुंगनाथ मतलब कि शिखर के स्वामी। तो अभी यहाँ पर आरती हो रही है। तो आज बाबा तुंगनाथ जी के कपाट बंद होने वाले हैं, तो इसलिए यहाँ पर इतने भक्त लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। दोस्तों अभी लाइन में लग चुके हैं दर्शन के लिए। ज्यादा लाइन तो नहीं है अभी चाहते, लेकिन पाँव यहाँ नीचे वो जम गए पूरे नीचे पाँव। इसने देखो क्या कर दिया। तो हमारे मामा जी यहाँ के पुजारी तुंगनाथ जी के। ये देखो यहाँ पर ये तृतीय केदार बाबा तुंगनाथ जी का मंदिर, जो कि काफी सुंदर लग रहा है। जो आपको ऊपर वो दिखाई दे रहा है वो वन देवियों का मंदिर है, वहाँ पे कोई नहीं जाता। दोस्तों जो ये मंदिर है इसका निर्माण शंकराचार्य जी ने किया था, जो कि पांडवों ने स्थापित किया था यहाँ पर मंदिर। उसके बाद यहाँ पर शंकराचार्य जी ने पूरा ये मंदिर निर्माण किया। बाकी यहाँ पर पूरे पंच केदारों के मंदिर। यहाँ पर भैरवनाथ जी का मंदिर, यहाँ पर माँ लक्ष्मी महागौरी जी का मंदिर, और इधर है गणेश भगवान जी का मंदिर। अभी कुछ इतनी भीड़ है यहाँ पर, देख सकते हो आप। दर्शन हो चुके हैं पूरे। बाकी यहाँ पर सारे भक्त लोग दर्शन के लिए खड़े हो रखे हैं। ये देखो क्या सुंदर दृश्य आएगा, और वो सारी हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएँ दिख रही है सारी। दोस्तों 10 बजे लगभग यहाँ पर बाबा तुंगनाथ जी की पालकी बाहर आ जाएगी, और उसके बाद वो चोपता की तरफ प्रस्थान करेगी। तो यह मंदिर का बैक साइड का व्यू। और यहाँ पर भी एक मंदिर है, पर यह पितृशिला है, जब एक पितरों का तर्पण होता है। ये यह देखो यहाँ पर। तो अभी परिक्रमा कर ली है मंदिर की। कितना सुंदर लग रहा है बाबा तुंगनाथ जी का मंदिर। तो मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा है। तो यहाँ पर जो मेन मंदिर है भूतनाथ जी का, जो कि यहाँ के रक्षक भी है, तो वहाँ पर दर्शन करने चलते हैं। तो यह है भूतनाथ जी का मंदिर। आ जाओ भाई, अभी भूतनाथ जी मंदिर के दर्शन भी हो चुके हैं। इतना सुंदर लग रहा है, ऊपर दिखाई दे रहा होगा आपको वो चंद्रशिला टॉप है। ये देखो यहाँ से चंद्रशिला का ट्रैक है। देखो लोग जा रहे हैं यहाँ से ऊपर की तरफ। तो दोस्तों ये है बाबा तुंगनाथ जी की पालकी। देख तो चलते हैं चंद्रशिला की तरफ, और फिर जल्दी से आएंगे, फिर डोली के साथ जाएंगे नीचे। सामने देख सकते हो आप पूरे बादल लग गए हैं पूरे हिमालय श्रृंखलाओं पे। बाकी ये देखो नीचे कितना सुंदर हो रखा है। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं चंद्रशिला की तरफ। बाकी अपने बैग वैग उठा लिए हमने सारे। तो यहाँ से आगे चंद्रशिला का रास्ता है। तो ये है कुछ रास्ता चंद्रशिला का। यहाँ से नीचे पूरी खाई है सीधा, और जहाँ पर रावण ने तपस्या करी थी वहाँ सामने पर रावण ने तपस्या करी थी।
शिव भगवान के लिए। कुछ ऐसा प्रकार का रास्ता है यहाँ चंद्रशिला जाने के लिए। दोस्तों जो चंद्रशिला है वो 3390 फीट की ऊंचाई पर है। अभी ऐसा कुछ व्यू है यहाँ पर का, और वो ऊपर जाना हमने। वहाँ पर देखो पूरे बादल लग गए। तो अभी जल्दी से चलते हैं, फिर हमने नीचे भी जाना मंदिर पे जब डोली निकलेगी। चंद्रशिला का ट्रैक है लगभग 1 या 1.5 किलोमीटर का है मंदिर से, लेकिन वो एकदम पूरी खड़ी चढ़ाई है। दोस्तों देखते ही देखते यहाँ पूरा कोहरा लगने लग गया चारों तरफ। तो जल्दी से चंद्रशिला चलते हैं, फिर नीचे जाएंगे क्योंकि रास्ता दिखेगा भी नहीं। फिर ये देखो कुछ नहीं दिख रहा। ये रहा मंदिर गंगा धाम, ये माँ भगवती का मंदिर। दोस्तों फाइनली पहुँच चुके हैं चंद्रशिला। तो ये वही जगह है जहाँ पे भगवान राम ने रावण को मारने के बाद तपस्या करी थी, ताकि वो जो उन्होंने रावण को मारा था उस श्राप से मुक्त हो पाए। तो इस वजह से उन्होंने यहाँ पर तपस्या करी थी। अब यहाँ पर का व्यू कुछ ऐसा, कितनी भीड़ हो रखी है, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। काफी ज्यादा भीड़ हो रखी है चंद्रशिला में, ये देखो। देखो आप क्या कोहरा आ रहा है ऊपर की तरफ, और यहाँ से कितना डेंजरस है, पूरी खाई है यहाँ से। जब भी यहाँ पर आओ थोड़ा सेफली आना, यहाँ पर खतरा ज़्यादा है। और जब यहाँ पर धुंध नहीं रहती है तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, सारी हिमालय श्रृंखलाएँ दिखती है, नंदा देवी पीक, चौखंबा, त्रिशूल पर्वत। दोस्तों हमें यहाँ पर गौरैया की अलग सी प्रजाति देखने को मिली है। कोहरा कैसे उड़ते फहरा, कितना सुंदर लग रहा है। दोस्तों अभी चंद्रशिला मंदिर के दर्शन हो चुके हैं, तो अभी वापस जा रहे हैं मंदिर की तरफ, और फिर डोली के साथ जाएंगे नीचे चोपता तक। और यहाँ से व्यू देखो, कोहरा हट चुका है रास्ते का। तो कोहरा कितनी तेजी से ऊपर की तरफ आ रहा है, पूरा कोहरा ही कोहरा हो गया। बस यहीं पे खा लिया अभी रास्ते में, तो जल्दी से चलते हैं। ये देखो तुंगनाथ में मिले हैं हमारे प्रसिद्ध ब्लॉगर एंड कंटेंट क्रिएटर वाले केदारवास। तो भैया मिलके बहुत अच्छा लगा आप लोगों से, हमें भी आप लोगों से भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग थैंक यू भैया, थैंक यू धन्यवाद। और हमें भैया भी मिले हैं आशु भैया, ये भी कंटेंट क्रिएटर और ब्लॉगर है उत्तराखंड से, इनको तो जानते हैं हम, इंट्रोडक्शन देने की जरूरत है। नहीं बहुत अच्छा लगा यार, जब मैंने देखा ना कि फर्स्ट टाइम कोई उत्तराखंड से जो नेशनल क्रिएटर अवार्ड था उसमें दो शॉर्टलिस्ट हुए थे, एक आप और एक केदारवासी भैया जी, जब आपका अवार्ड मिला था ना ऐसे लगा कि हमें अवार्ड मिल गया। मैं बहुत खुश था, मुझे उससे पहले आपके चैनल का पता नहीं था ना, इंस्टाग्राम पेज का, बट जब मैंने रील देखी यार मैंने कहा शानदार। और उसके बाद मैंने बहुत सारे लोगों को मतलब शेयर करा कि मैंने कहा देखो यार कितना जबरदस्त मतलब वो बना रखे हैं रील्स वगैरह, और बहुत जबरदस्त बेस्ट विशेष है। बाकी और भी करना है, अभी इससे भी आगे बढ़ना है, है ना? ठीक है, बेस्ट विशेष। बाकी नहीं बढ़िया यार। अंतिम आरती के दर्शन देख सकते हो आप, ये लीजिए। समय बाद बाबा तुंगनाथ जी की डोली भी बाहर आ जाएगी।
से बाहर आ चुकी है, तो देखा होगा आपने काफी अच्छा दृश्य रहता है इस टाइम। हमारे साथ मिले हमें प्रसिद्ध ब्लॉग प्रसिद्ध भाई को अमित टोली है, वो आएगी भूतनाथ जी के मंदिर पे, जो पहले यहाँ से जाती है वन देवियों के पास, जो कि यहाँ पर की वन देवियाँ हैं, फिर उसके बाद भूतनाथ मंदिर में। दोस्तों आज तुंगनाथ बाबा जी के कपाट शीतकालीन के लिए बंद हो चुके हैं। आज 4 तारीख है, आज बाबा की डोली जो है यहाँ से चोपता के लिए प्रस्थान करेगी। अभी चलते हैं डोली के साथ। इस साल के लास्ट दर्शन बाबा तुंगनाथ मंदिर के। जय श्री तुंगनाथ महादेव। बाबा तुंगनाथ जी का आशीर्वाद सभी भक्तजनों पर बना रहे और जो मेरी वीडियोज देख रहे हैं उन पर भी बना रहे, सारे उत्तराखंड वासियों और प्रदेश वासियों पर बना रहे। तो अभी चलते हैं हम डोली के साथ नीचे की तरफ, चोपता की तरफ। बाकी एक बार यहाँ से दृश्य देखो डोली का, यहाँ से डोली आ रही है अभी। तो दोस्तों ये है आकाश कुंड जहाँ पर अभी डोली जा रही है। तो वो दिख रहा है जो आपको सामने, वो है रावण सीला। बाबा की डोली यहाँ पर जा रही है और ये देखो
सारे भक्त लोग यहाँ पर जा रहे हैं दोस्तों, यहाँ से नीचे के नज़ारे। तो हम डोली के पीछे पीछे जा रहे हैं जहाँ डोली जा रही है। ये देखो ये दोनों भाई अपने, व्यू देखो आप क्या सुंदर व्यू है। वो कितनी तेजी से कोहरा ऊपर की तरफ आ रहा है। नीचे की तरफ आ गई है, ये देखो सारे भक्त लोग। दोस्तों यहाँ पर डोली रुकती है, यहाँ पर अर्घ लगता है, तो आप देख सकते हो पीछे डोली रखी हुई है सामने पे, यहाँ पर अर्घ लगेगा फिर डोली आगे की तरफ प्रस्थान करेगी। लगभग एक किलोमीटर रह गया होगा, बस ये भोज गली भुगियाल के बाद चौकता आ जाएगा, देख सकते हो अभी डोली यहाँ पर है। तो ये है भोज गली भुगियाल और यहाँ पर अभी डोली जा रही है जैसे कि हमेशा जाती है। पहले भुगियाल में जाना वर्जित है, वो देखो क्या लिखा है।
चोपता में पहुंच चुकी है बाबा तुंगनाथ जी की। तो आज इस मंदिर में रहती है जो कि डोली रहती है, देख लिया होगा आपने, यहाँ पर अंदर आज विश्राम करेगी डोली, आज रात का विश्राम यही है, पूरी लाइन लग रही है। तो आ चुकी है डोली चोपता में, तो अभी हम भी जा रहे हैं यहाँ से, अब आएंगे सीधा अगली बार जब भी बुलावा होगा बाबा का। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से, या तो देहरादून जाएंगे तो नानी के यहाँ जाएंगे, देखते हैं अभी। जय बाबा तुंगनाथ। और भीड़ देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा हो रही है यहाँ पर, दिन के 3:00 और 3:00 बजे डोली पहुँच चुकी है। तो फिलहाल अभी चलते हैं दोस्तों, भी गाड़ी के पास जा रहे हैं, उसके बाद सीधा निकलते हैं। काफ़ी अच्छा लगा, बाबा के दर्शन हो गए, बाबा का बुलावा आ ही गया फाइनली, और भाई को भी फर्स्ट बार भाई ने दर्शन करे, कैसा लगा? जबरदस्त। तो यहाँ के दर्शन ही किए जिसने, उसने कुछ नहीं घुमा के। एक बार लास्ट बार जाते हुए देख लो चोपता के नज़ारे, सुंदर सुंदर चोपता के नज़ारे देखते हैं आप। पर्यटकों ने यहाँ पे प्लास्टिक की बोतलें और कैसे कैसे अपना सामान फेंक के यहाँ पे पूरा प्लास्टिक अतिक्रमण कर रखा है, पॉल्यूशन फैला रखा है। कृपया अगर आप ऐसी जगह पे आ रहे थे, सुंदर जगह पे, तो ऐसी गंदगी ना मचाए। अगर कोई दिखे तो हर टाइम क्या था व्लॉग में, उसको जरूर टोक। हम खुद नहीं फेंकते, हम अपने पास कैरी करके ले जाते पूरा जो भी कूड़ा रहता है। भाई देखो यार क्या मचा रखा है, अच्छा ही लगता भाई। आ रहे हो तो अच्छे से रहो यार, इंजॉय करो मस्त, इतनी बढ़िया वैली है चोपता वैली। तो बस अब चलते हैं, तो इस व्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते, इस व्लॉग को यही एंड करते हैं। होप आपको व्लॉग पसंद आएगा, पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता आपसे जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री राम, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय बाबा तुंगनाथ।